प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. लास्ट टाइम हमने नाइट्रस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश की थी. नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस एसिड इज़ बेसिकली HNO2. इसमें नाइट्राइट ग्रुप एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ इक्वल टू +3. आज हम बात करने लगे हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में, विच इज़ अगेन अनदर ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन. हमने ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, विच आर ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. इनके अंदर सबसे पहले हमने देखा नाइट्रस एसिड, उसकी हमने पहले प्रिपरेशन के बारे में बात की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और अब हम आ गए हैं नाइट्रिक एसिड के ऊपर. नाइट्रिक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग HNO3 होता है. HNO3 के अंदर अगर आप H इज +1, नाइट्रोजन को अगर आप +X ले लो, तीन ऑक्सीजन और -6 = 0. यहाँ से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी +5, यानी नाइट्रोजन इज मोर ऑक्सीडाइज्ड इन नाइट्रिक एसिड देन नाइट्रस एसिड. हम लोगों का आज जो टॉपिक है इट इज़ द प्रिपरेशन पार्ट. सो प्रिपरेशन जो है आज कल जो एक तो लेबोरेटरी के अंदर की जाती है वो और तरीके से की जाती है, और इंडस्ट्री के अंदर हम एक और तरीके से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं. तो लेट्स सी कि लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. लेबोरेटरी के अंदर होता यह है कि हम सिंपली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का. पोटेशियम नाइट्रेट ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, इट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, और इसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं विच इज़ H2SO4. तो चूंकि इट इज़ एन एसिड, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन. तो ये प्रोटॉन अगर डोनेट कर दे H+, तो पीछे क्या बच जाता है, HSO4-1, ठीक है. और KNO3 जो है ये भी अगेन आपके पास पोटेशियम प्लस एंड नाइट्रेट माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो ये प्रोटॉन और ये नाइट्रेट मिलके H+NO3- HNO3 बना देते हैं, और पीछे K+ एंड HSO4- मिलके KHSO4 बना देते हैं. ये जो HSO4 आयन होता है इट इज़ कॉल्ड बाय सल्फेट. सल्फेट इज SO4-2 ना, अगर साथ इसके आप हाइड्रोजन लगा दो तो इट बिकम्स बाय सल्फेट. इसी तरह कार्बोनेट इज CO3-2, अगर आप इसके पीछे H लगा दो तो एक वैलेंसी कम हो जाएगी, वैलेंसी कह रहा हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल कंपाउंड की एक रिड्यूस हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड देन बाइकार्बोनेट. सो दिस इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड नाइट्रिक एसिड, एंड दे फॉर्म, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो विद पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट, एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी कंसेंट्रेटेड. इसको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. इस फिगर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोटेशियम नाइट्रेट विच वॉज KNO3 एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को हमने एक इस तरह के बीकर में डाल दिया, ठीक है, इसको फ्लास्क हम गालिबन राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया, और नीचे हमने एक बंसन बर्नर से हम इसको हीट कर रहे हैं. ये दोनों जब हीट होते हैं तो ये देखो ब्राउन कलर के फ्यूम्स नज़र आ रहे हैं आपको. ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर आना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है कि इनके ऊपर, यहाँ ऊपर से हम पानी फेंक रहे हैं, बेसिकली हम पानी उसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे, दिस इज़ फॉर कूलिंग इट, ये इसको कूल करने के लिए, ताकि टेम्परेचर कम हो. जब टेम्परेचर कम होता है तो नाइट्रिक एसिड जो है वो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, और साथ में इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम, ये वाला जो सॉल्ट था पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, ये भी नीचे जाके बैठ जाता है. ये दोनों डिजोल्व हुए हुए होते हैं पानी के अंदर. फिर इनसे हम लोग नाइट्रिक एसिड को सेपरेट कर देते हैं, और यूं नाइट्रिक एसिड लैब के अंदर प्रिपेयर हो जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, नो ऑक्सीडेशन एंड नो रिडक्शन इन्वॉल्व्ड. जो आपने रिएक्ट करवाया था उसमें भी नाइट्रेट था, और यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रेट ही प्रोड्यूस हो रहा है, देयर इज नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेकिंग प्लेस हियर. दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, कि अगर आपको नाइट्रिक एसिड या HNO3 को कमर्शियली प्रिपेयर करना हो इन इंडस्ट्री, कमर्शियल स्केल के ऊपर, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है, क्या होता है, यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग बाय नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कमर्शियल स्केल के ऊपर एक तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हो इट मस्ट बी कॉस्ट एफिशिएंट,
क्योंकि अगर बहुत महंगा आपने प्रिपेयर, कमर्शियल स्केल में आपको पता है बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर प्रिपेयर करना पड़ता है ना, जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मसलन 1000 टन आपने पोटेशियम नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करना है, और अगर उसको आप KNO3 और H2SO4 के रिएक्शन के साथ करवाना शुरू कर दो, तो आपको पता है कि अगर 1 टन ये आपने प्रोड्यूस करना है, तो तकरीबन 1 ही टन आपका सल्फ्यूरिक एसिड इस प्रोसेस में यूज़ होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बजाते खुद 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा ओवरऑल आपका जो होगा। तो कॉस्ट एफिशिएंसी आपको देखनी पड़ती है जब आप बहुत ही लार्ज स्केल पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो। तो बजाय इसके कि आप इस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करो कमर्शियल स्केल के ऊपर, हम कोई और प्रोसेस फिर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें जो एक और चीज़ देखनी पड़ती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट यूज़ कर रहे हो इस प्रोसेस में जैसे यूज़ किया जा रहा था, तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट अवेलेबल ही ना हो कि आप बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर HNO3 या नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सको। सो इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत से किस्म के प्रोसेसेस जो हैं वो प्रपोज किए गए। सबसे पहला जो प्रोसेस है 1903 के अंदर एक प्रोसेस प्रपोज किया गया था, जिसको हम बोलते हैं बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। ये सबसे पहला प्रोसेस था जो नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए प्रपोज किया गया था। इस प्रोसेस को बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको जो प्रपोज किया था वो क्रिस्टियन बर्कलैंड, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, एक केमिस्ट का नाम था जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता था, और साथ इसके ये दूसरा बंदा है सैम आइड। सैम आइड जो था बेसिकली ये इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर था, इसका बिजनेस पार्टनर था। तो वैसे अब इस प्रोसेस को हम बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, बिजनेस प्लेज अ मेजर रोल, कि जब आप बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने लगे होते हो, तो आपको बिजनेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो चीज़ कितनी प्राइस उसकी होगी और क्या वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जिस मेथड से आप करना चाह रहे हो। तो देखो, इसने बर्कलैंड ने अपने साथ एक पूरे बिजनेस पार्टनर को अपने प्रोसेस का हिस्सा बना लिया इसी वजह से। सो दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को 3-4 स्टेप्स के अंदर उन्होंने प्रपोज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बोला कि आप एयर अगर ली जाए, विच इज एयर क्या होता है, एयर इज 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% इसमें और गैसेस होती हैं। तो वो उन्होंने बोला कि अगर आप एयर लो और एयर को आप अगर एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक चीज होती है, अगर इलेक्ट्रिक आर्क आप उसके अंदर से पास कराओ विच इज ऑलमोस्ट एट 3000 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट्रोजन एंड एयर ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको हम सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसमें नाइट्रोजन इज +2 एंड ऑक्सीजन इज -2, सो नाइट्रोजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन इज, सिंस मॉलिक्यूलर इट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो बेसिकली नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक ऑक्साइड। इस प्रोसेस के थ्रू दे प्रपोज्ड कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो प्रिपेयर किया है ना आपने, ये 3000 डिग्री सेल्सियस, जब तक इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर नहीं होगा ये प्रिपेयर नहीं की जा सकती। जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है तो इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग बैक इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर टेम्परेचर हाई ही रहे तो। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि टेम्परेचर कम करना पड़ता है। टेम्परेचर कितना कम करना पड़ता है, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के, जब रिएक्शन हमने पढ़े थे उसके अंदर आपने पढ़ा था कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया जाए तो क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी तरीके से टेम्परेचर, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रिपेयर कर लिया है आपने, अगर इसका टेम्परेचर आप 1000 से कम कर दो, तो क्या होगा कि ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा फिर। तो पहला जो प्रोसेस, दूसरा स्टेप अब आपके पास ये हो गया। पहला प्रोसेस क्या था कि आपने नाइट्रोजन और एयर को इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू ऑक्सीडाइज करना है नाइट्रोजन को, ठीक है, और उससे ये होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस आपके पास अब ये हो गया है कि कूल इट डाउन बिलो
1000 डिग्री सेल्सियस. 1000 डिग्री सेल्सियस से कम करना अब क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप टेम्परेचर रखो तो ये दोबारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, कूल इट डाउन बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस. तीसरा जो आपने प्रोसेस यूज करना है, इट इज सिंपली ऑक्सीडेशन. ये जो सेकेंड प्रोसेस था इट वॉज कूलिंग, थर्ड वाला इज ऑक्सीडेशन. इसमें आप नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको एयर के अंदर से पास ऑन कराते हो एट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर आपने इसमें कितना, आप ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर आप रखते हो, और इस टेम्परेचर के ऊपर आप जब एयर के अंदर से पास कराते हो तो NO इज बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस 2. ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड दिस बिकम्स NO2. NO2 इज बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं. ये कोई पहली दफा आप ये रिएक्शंस नहीं देख रहे, इससे पहले जितने भी आपके टॉपिक्स पढ़े हैं आपने इन सब के अंदर ये वाले रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो. बस अब एक तरह से हम लोग उस सबको मिक्स करके एक प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस 4, सो नाइट्रिक ऑक्साइड हैज बीन ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी था, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज में आपने एक बात पढ़ी थी कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या होता है. दो किस्म के प्रोसेसेस आपने पढ़े थे, अगर तो आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन करवाओ, एब्सेंस ऑफ एयर में तो क्या होता है कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, HNO2 एंड HNO3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यू नो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस 4, अलबत्ता इन HNO2 प्लस 3 एंड इन HNO3 प्लस 5. यानी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो NO2 से जब HNO2 में जाती है तो रिडक्शन हो रही है, और जब इससे इसमें आप आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रही है. सो इस तरह के प्रोसेसेस को हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं ऐसे रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्फ डिसोसिएट हो रहा है, वो एक दफा ऑक्सीडाइज और एक दफा रिड्यूस हो रहा है. इसमें आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड जो कि एक्चुअली हमने बनाना था, साथ दूसरा प्रोडक्ट आपके पास नाइट्रस एसिड या HNO2 आ गया. ठीक है, HNO2 जो है, अब इसको आप क्या करोगे इसके साथ, HNO2 के आपने जब रिएक्शन पढ़े थे उसमें सबसे जो पहला रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन, वो था डीकम्पोजिशन. HNO2 जो है वो हर टेम्परेचर के ऊपर डीकम्पोज हो रहा होता है. ठीक है, एंड ये डीकम्पोज होकर क्या बना रहा होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा होता है, नाइट्रिक एसिड बना रहा होता है, और साथ में वाटर रिलीज कर रहा होता है. ठीक है, HNO2 में आपको पता है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रिक ऑक्साइड में प्लस 2 है एंड HNO3 के अंदर प्लस 5 है. सो वंस अगेन दिस इज अ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, विच इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. जैसे ऊपर भी HNO2 अगर ऑक्सीडाइज हो तो HNO3, और अगर रिड्यूस हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होता है. सो ओवरऑल आप इन दो रिएक्शन को कंबाइन करके यूं लिख सकते हो कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डाला जाए तो नाइट्रस एसिड एक तरह से प्रोड्यूस ही नहीं होता, नाइट्रस एसिड भी बजाते खुद चेंज होकर नाइट्रिक ऑक्साइड, HNO3 और पानी बना देता है. ठीक है, मैं बैलेंस नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको अभी थ्योरेटिकली समझाना चाह रहा हूँ. और फिर इसको आप अगर दोनों तरफ से, पानी तो दोनों तरफ आ गया ना, तो आप सारा कुछ लेफ्ट साइड पे ले लो, पानी जितने मॉलिक्यूल्स होंगे. नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड वापस बन जाता है. ठीक है, और साथ में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, हम यही तो चाह रहे थे, नाइट्रिक एसिड जो है ये हमने फाइनली प्रिपेयर करना था. और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया है इसको हम दोबारा ऊपर ले जाते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया था ना फर्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर, और थर्ड स्टेप के अंदर उस नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, तो वो एक तरह से पूरा का पूरा नाइट्रिक एसिड रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकलिंग ऑफ NO. ये भी एक पूरा स्टेप हो जाता है. अभी तक हमने कितने स्टेप्स पढ़े, फोर्थ, एंड दिस इज देन फिफ्थ स्टेप जिसमें रिसाइकलिंग हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की. एक दफा फिर से मैं आपको पूरा प्रोसेस रिकॉल करवा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एयर जो है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हम एक इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू पास करवाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड 3000 डिग्रीज
सेल्सियस और इस टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली फॉर्म होंगे, दो नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन हैं. ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये डिकम्पोज हो जाता है एट हायर टेम्परेचर, तो हमें क्या करना पड़ता है कि फ़ौरन कूलिंग करनी पड़ती है. ठीक है, तो आप स्टेप वाइज याद करो. पहला जो स्टेप है इट इज़ बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकेंड स्टेप इज कूलिंग, थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि आपने जो कूल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको 600 डिग्री सेल्सियस के करीब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराते हो बाय रिएक्शन विद एयर, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको फर्दर अगर वाटर के अंदर आप वाटर एब्जॉर्ब करवाओ, इस फोर्थ स्टेप को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्ब करवाओ तो क्या होता है कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, जिसमें से जो नाइट्रस एसिड है वो फर्दर डीकम्पोज होकर अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है. सो ओवरऑल आप रिएक्शन को कुछ यूं लिख सकते हो जैसे मैंने एंड पे लिखा हुआ कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिजोल्व करो तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड और एक नाइट्रिक एसिड. और फाइनल स्टेप है कि आपने जो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा फॉर्म हो गया है इसको आप रिसाइकिल कर देते हो, दोबारा ऊपर ले जाते हो और आप इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हो, और फिर उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पानी के अंदर डिजोल्व करते हो तो फिर से HNO नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 प्रोड्यूस होता है, फिर दोबारा इस वाले को आप यहाँ पे लेके जाते हो और ये एक पूरा साइकिल चलना शुरू हो जाता है. ठीक है, लेकिन एक्सेस में आपने अगर इसमें ऐड करवाते जाना है तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको बार बार पीछे से एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पीछे से आप इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर NOs के अंदर से प्रोड्यूस कंटिन्यूसली करते जाओगे. दिस प्रोसेस वॉज एक्चुअली प्रपोज इन 1903 और 1903 के बाद 1910 और 1920 के दरमियान कुछ मजीद ऐसी एडवांसमेंट्स हुई जिसके बाद उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कार्ड कर दिया. उसकी वजह क्या थी कि ये जो बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस है B&E प्रोसेस, इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इट इज वेरी कॉस्ट इनएफिशिएंट. ये कोई बहुत सस्ता काम नहीं है, ये जो हम कह रहे हैं ना कि 3000 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप ले जाओ तो तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि आप यूं कर दो, इट इज हाईली कॉस्ट इनएफिशिएंट. और इसमें जो इतनी इलेक्ट्रिक आर्क जो आपने प्रोड्यूस करवानी है ना, इलेक्ट्रिक आर्क, इट इज वेरी वेरी एनर्जी इनएफिशिएंट. एग्जैक्टली क्या इसकी वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूं. ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपने इससे वन टन अगर आपने नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करना है, वन टन अगर कमर्शियल स्केल पर बात की जाए तो बहुत ही मामूली अमाउंट है, क्योंकि वैसे जो ओवरऑल पूरी दुनिया में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ टन्स की अमाउंट में होता है, बिलियंस ऑफ टन्स. सिर्फ अगर एक टन तो बिल्कुल एक चुटकी बराबर ना, बहुत ही थोड़ा सा अगर आपने नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करना है कमर्शियल स्केल के ऊपर, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना आपको बर्केलैंड एंड आइड प्रोसेस से, दैट इज 15,000 किलो वाट आवर्स. रिपीट, 15,000 किलो वाट आवर्स. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज किलो वाट आवर? अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होगी कि 1 kWh इज एक्चुअली 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो 15,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली वो चीज है कि अगर आप 1000 watt या 1 kW जो होता है, अगर 1000 watt की अगर चीज है, अगर उसको एक घंटे के लिए आप ऑन रखो तो एक यूनिट हो जाता है ना, और यूनिट का आजकल जो रेट है इन पाकिस्तान दैट इज अराउंड लाइक 10 to 20 rupees पर यूनिट. ठीक है, और एक्चुअली ये थोड़ी महंगी होती है बट गवर्नमेंट के ऊपर से गवर्नमेंट इसको सस्ता कर देती है ब्ला ब्ला, बट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड 1 unit. और इस तरीके से अगर आपने 1000 kg या 1 ton HNO3 प्रोड्यूस करना है, जो कि बहुत ही थोड़ा है टेक्निकली, तो उसके लिए आपको 15,000 units चाहिए. 15,000 units, कैन यू बिलीव दिस? 15,000 units कितना ज़्यादा एनर्जी ये है बेसिकली. अगर आपने 1 kilo प्रोड्यूस करना है तो 15 units आपको इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करने पड़ेंगे. ठीक है, और 15 units का टेक्निकली मतलब एट द रेट ऑफ 20, अगर आप 15 units से रेट निकालो तो 300 rupees की तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो जाएगी, और एक कमर्शियल स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी ज़्यादा होता है सिर्फ 1 kg अगर आपने HNO3 प्रोड्यूस करना है. ये तो सिर्फ बिजली का रेट है, और भी पता नहीं कितना ज़्यादा इसमें खर्चा होता है मजीद इसकी प्रिपरेशन के लिए. सो इट इज़ वेरी कॉस्ट इनएफिशिएंट प्रोसेस, और यही वजह है कि आजकल जो नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है वो इस प्रोसेस से नहीं किया जाता,
आजकल जो नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग है इट इज हैपनिंग थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस एंड ऑस्टवेल्स मेथड। हेबर्स प्रोसेस क्या करता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं हम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अमोनिया प्रोड्यूस कर देता है। आप ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ चुके हो, हेबर्स प्रोसेस होता है ये, ठीक है। इसमें आप बैलेंस भी कर सकते हो इसको, इसमें आप टेम्परेचर भी का खासा हाई होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर भी खासा हाई रखते हैं, और हम इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, और अमोनिया को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है ना तो इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड, और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर आप ऑक्सीडाइज करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हो, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाते हो, तो फिर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में HNO3 प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहां से आगे पूरा प्रोसेस वही चल पड़ता है। एक दफा आपके पास जब नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया ना तो फिर वही प्रोसेस आगे चल पड़ता है, और ये जो यहां से आगे का प्रोसेस है, ये जो आपने अमोनिया को ऑक्सीजन में डिसॉल्व करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कराया, इसको हम बोलते हैं ऑस्टवेल्स मेथड, ठीक है। सो हेबर्स प्रोसेस क्या था कि आपने अमोनिया प्रोड्यूस करवाया और उस अमोनिया को आपने ऑक्सीडाइज किया और उससे आपने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, इसको हम बोलते हैं ऑस्टवेल्स मेथड, और इन दोनों के कंबिनेशन से आप फिर नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करते हो आजकल कमर्शियल स्केल के ऊपर, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि वो जो हमने यहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था ना, कितना देना पड़ता था, टेम्परेचर वॉज अराउंड लाइक जहां तक 3000 था ना, अब हेबर्स प्रोसेस में आपको 3000 टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, इसमें ऑलमोस्ट आपको 300-400 तक, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 400 तक आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ता है। तो 400 तो बहुत ही थोड़ा टेम्परेचर है उसके नस्बत, आपको प्रेशर थोड़ा रेज करना पड़ता है 100-200 ATM पे, और आप बड़े आराम से अमोनिया प्रोड्यूस कर देते हो, और फिर उस अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके आप नाइट्रिक एसिड तक पहुंच जाते हो। सो दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक जिससे आप लेटेस्ट टेक्निक जो आजकल इस्तेमाल हो रही है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। और ये जो ऊपर आप पढ़ रहे हो ना, ये जो बर्केलैंड एंड आइड प्रोसेस है, इसको 1920 के अंदर डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है। तो आपकी किताब में बेसिकली 1920 वाली साइंस लिखी हुई है कि 1920 और उससे पहले किस तरीके से नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता था, ठीक हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नाइट्रिक एसिड की बहुत ही डाइवर्स किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये बहुत से किस्म के रिएक्शन शो करता है। तो बाकी हम इसके रिएक्शन इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।